तहरीक इंसाफ के एन ए 179 से उम्मीदवार जवेद इकबाल वड़ाइच और पीपी 263 से उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद शफीक ने बस्ती नाया की सरकर्दा शख्सियात और अहले इलाका से इलेक्शन मुहिम के हवाले से मुलाकात की। चौधरी जवेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि इमरान खान की सूरत में ही मुल्क में तब्दीली आएगी, अवाम में सियासी शऊर इमरान खान ने बेदार किया है। मैं तो इमरान खान को क्रेडिट देता हूँ कि मेरे पूरे हल्के में सारी बरादरियाँ देहात हो, टाउन हो, गलियाँ हो, शहर हो, इस दफ़ा सारी बरादरियाँ इकट्ठी हो के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो गई हैं और मुत्तहिद होकर इमरान खान को वोट दे रही हैं, बल्ले को वोट दे रही हैं। साढ़े मुल्क दे विच जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होएगी साढ़ा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जो करप्शन ख़त्म होएगी तो फिर मुल्क साढ़ा तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि बस्ती नाया में गंदी और टूटी फूटी गलियां देखकर दुख हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद अवाम की खिदमत के लिए यहां बिजली, गैस, पुख्ता सड़कें और पीने के लिए साफ पानी देंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।